क्वेश्चन है, इन ए ट्रांजिस्टर इन कॉमन एमिटर कॉन्फ़िगरेशन द रेशियो ऑफ पावर गेन टू वोल्टेज गेन इज, पावर गेन से वोल्टेज गेन का रेशियो हमें बताना है क्या होगा। कॉमन एमिटर दिया गया है तो ये हमारे पास क्या होता है, इसमें यहाँ पे क्या जोड़ा जाता है, हमारे पास आरबी इनपुट रेजिस्टेंस होता है आरबी, और ये क्या जाता है फॉरवर्ड बायस, इसमें क्या जाता है हमारे पास, ये हमारे पास होता है एमिटर, दिस इज द, इसको रिवर्स बायस किया जाता है। ओके तो ये हमारे पास क्या होता है, सर्किट होता है जिसमें ये क्या होता है हमारे पास बेस एक कलेक्टर, तो इसमें वोल्टेज गेन और करंट पावर गेन का क्या बताना है, रेशियो हमें बताना है वोल्टेज गेन एंड पावर गेन। इसमें हम क्या मान लेते हैं पी एन एन पी एन ट्रांजिस्टर हमारे पास ये है, तो हमारे पास वोल्टेज गेन क्या होता है, वोल्टेज गेन ए बी अगर हम देखें तो ये कितनी हो जाते हैं, वोल्टेज गेन क्या होता है हमारे पास करंट गेन इनटू में रेजिस्टेंस गेन, करंट गेन क्या होता है हमारे पास आई सी बाय में आई बी इनटू में रेजिस्टेंस गेन क्या होता है आर आर आउटपुट डिवाइड बाय में आर इनपुट, ये होता है हमारे पास रेजिस्टेंस गेन। आई सी बाय में आई बी को हम क्या बोलते हैं बीटा, तो ये क्या हो जाएगा बीटा इनटू में आर ओ बाय में आर आई, तो ये हमारे पास क्या आ गया वोल्टेज गेन। अब हमें निकालना है पावर गेन, पावर गेन क्या होता है हमारे पास करंट गेन का स्क्वायर इनटू में रेजिस्टेंस गेन, तो यानी कि क्योंकि पावर क्या होता है हमारे पास आई स्क्वायर आर, पावर क्या होता है आई स्क्वायर आर करंट गेन का स्क्वायर, करंट गेन क्या होता है आई सी बाय में आई बी यानी कि बीटा का स्क्वायर इनटू में क्या होगा रेजिस्टेंस गेन आर ओ बाय में आर आई, दोनों का रेशो लेना है तो रेशो क्या आ जाएगा हमारे पास रेशो, रेशो हमें लेना है पावर गेन टू वोल्टेज गेन, पावर गेन क्या है हमारे पास बीटा स्क्वायर इनटू में आर ओ बाय में आर आई डिवाइड में क्या आ जाएगा बीटू बीटा इनटू डिवाइड बाय में डिवाइड में क्या आ जाएगा हमारे पास रेशो लेंगे, तो पावर गेन का रेशो ले, पावर गेन टू वोल्टेज गेन का रेशो लेना है, पावर गेन है बीटा स्क्वायर इनटू में आर ओ बाय में आर आई एंड वोल्टेज गेन क्या है बीटा इनटू में आर ओ बाय में आर आई, ये कैंसिल बीटा एक बीटा, तो रेशियो क्या आ जाएगा हमारे पास बीटा के इक्वल, रेशियो क्या आ गया हमारे पास बीटा के इक्वल, दिस इज द क्वेश्चन।